हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवल विद पीएसआर। मैं पवन, और आज हम कोई ट्रैवल वीडियो शूट नहीं कर रहे हैं। मैं ये वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैं कौन कौन से गैजेट्स यूज़ करता हूँ अपनी वीडियो को शूट करने के लिए, कौन सा फ़ोन यूज़ करता हूँ और कौन सा ट्राइपॉड वगैरह क्या क्या यूज़ किया है मैंने स्टार्टिंग में। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और मैं आप लोगों को बता दूँ, सबसे पहले मैंने जो ट्राइपॉड लिया था, मैंने ये लोकल ट्राइपॉड लिया था जो कि मैंने चांदनी चौक अपने दिल्ली मार्केट से ही लिया था। और इसके साथ जो मैंने सबसे पहले लिया था वो ये लिया था इसके ऊपर लगाने के लिए, क्योंकि ये लोकल था बिल्कुल। कुछ टाइम ही मैंने यूज़ किया, मुझसे उसे कि 1.5-2 महीने ही चला होगा, और इसका एक वो टूट गया, 3 इसमें थे, ठीक था पर ये ट्राइपॉड भी। और ये तो इसका अभी भी ठीक है, ये तो अच्छी क्वालिटी का था तो ये तो काम चल जाता है, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैं आप दिखाता हूँ आप लोगों को इसके बाद मैंने क्या लिया था। फिर इसके बाद मैंने ये वाला ट्राइपॉड लिया जो कि ये फोटो प्रो का था, और ये मैंने ये अमेजन से लिया था। ये मुझे करीब 1500-1600 रुपये करीब पड़ा था, वहाँ ऑफ़र वगैरह भी चल रहा था कुछ, तो ये मेरे को ठीक लगा। और इसका क्या है, एकदम कैसे भी कर लो, कहीं से भी बैंड कर लो तो ये ठीक रहता है वीडियो बनाने के लिए ना। ये देखो, आप कहीं भी बैंड कर सकते हो, मान लो कहीं घूमने गए हो, कोई नहीं है तुम्हारे साथ कोई फ़ोटो या वीडियो क्लिक करने के लिए, तो ये अपना बहुत ठीक है यार ये। और इसकी क्वालिटी तो मतलब क्या ही कहना, इसके रिव्यू भी बहुत सही थे, मैंने देख के ही लिया था, तो ठीक है ये, आप लोग भी ले सकते हो। हाँ, अगर आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हो तो नॉर्मल ऐसे वाला ले सकते हो, अगर मतलब 250 रुपये मिल जाएगा और फिर आप लोग कुछ थोड़ा सा आगे लेना चाहते हो तो फिर ये ठीक है अपना ट्राइपॉड। और इसके साथ जो आया था वो ये वाला आया था इसके साथ माउंट करने के लिए, बट ये तो नॉर्मल था तो मैंने ये नहीं लिया, क्योंकि इसके अंदर ना अपना माइक वगैरह लगाने का नहीं था, तो इसलिए मैंने ये इसको रहने दिया। और इसके अलग से ही मैंने सेम अमेजन से मैंने ये ओलांजी का बुक किया, ये देख लो। और इसकी क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही सही है यार इसकी क्वालिटी, ये देखो। और इसका एक स्प्रिंग एक्चुअली निकल गया है कहीं, वो पता नहीं कैसे निकल गया था, तो ये ठीक है, ये बहुत अच्छा है ओलांजी का। ये आप लोग अमेजन से बुक कर सकते हो, लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके बाद आता है हमारे माइक के बारे, तो मैंने पहले माइक तो यूज़ नहीं किया था कुछ टाइम, बट हाँ अब मैं अपनी वीडियोस में माइक का यूज़ करता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे के वीडियोस में। तो ये था बोया MM1, ये मेरे को ठीक लगा, और ये 1500 रुपये करीब भी, ये भी मेरे को अमेजन से पड़ा था, तो ठीक है ये भी। और इसकी वॉइस क्वालिटी अगर हम बात करूँ तो नॉर्मल किसी भी माइक से अगर हम 5-6 का भी लेते हैं तो उनसे तो ठीक है ये, और अपना रेंज भी ठीक है, और अपनी वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे कि यूट्यूब, आप लोगों को पता है यूट्यूब थोड़ी क्वालिटी तो ढूंढता ही है भाई, थोड़ा सा चाहिए ही, तो ठीक है ये आप लोग भी ले सकते हो अमेजन से, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग परचेज कर सकते हो। और हाँ, ये क्योंकि मेरे पास जो फ़ोन है अपना वन प्लस का, उसमें तो है नहीं मतलब ये मॉडल ये लग नहीं पाता, तो इसके लिए मैंने अलग से फिर ये परचेज़ किया। और मेन जिससे मैं शूट करता हूँ वो है ये मेरा फ़ोन वन प्लस का, स्टार्टिंग से मैंने इससे ही शूट किया है, और अभी भी मैं इसे ही शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक गोल है कि मैंने सोचा हुआ कि हाँ इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मैं एक गोप्रो वगैरह और कैमरा वगैरह का सोचा है मैंने, तो अभी तो ठीक है अपना इसे ही शूट हो रहा है। और पहले मैं एडिटिंग भी इसे ही करता था, इनशॉट वगैरह से, फिल्मोरा से, तो मैंने जब लैपटॉप लिया तो फिर मैं उसमें अब एडिट करने लगा। लैपटॉप में ना एडिटिंग थोड़ा सा बढ़िया हो जाती है, म्यूज़िक वगैरह अच्छे से पूरा सेटअप बढ़िया हो जाता है, और उसके अंदर मैं जो ऐप जो मैं इंस्टॉल मैंने किया हुआ था फ़ोन में वो तो इनशॉट था, और लैपटॉप में जो मैं एडिटिंग कर रहा हूँ अभी वो एडिटिंग में कर रहा हूँ फिल्मोरा से, वो ठीक लगता है मुझे एक्चुअली, उस पर ना हाथ भी बैठा हुआ है तो समझ में आता है कि हाँ किधर से क्या है, तो वो ठीक है अपना। तो ये सारी चीज़ें थी, और आपको इनमें से कुछ भी लेना हो तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से अमेजन से जाके परचेज कर सकते हो। तो ये थे सारे, तो चलिए करते हैं वीडियो का एंड। और ये पूरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और आप लोगों को इनमें से कुछ भी प्रोडक्ट लेना हो तो अमेजन से ले सकते हो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।